नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही राजस्थान के टोंक के मालपुरा में 5 साल बाद निकलेगी कांवड़ यात्रा। 400 कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। SDM ने 7 शर्तें लगाई है। टोंक के मालपुरा में 5 साल बाद सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। 400 कांवड़ियों की सुरक्षा में 4 PSC, 1 ATF कंपनी समेत 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। SP, ASP, DSP समेत कई थानों के इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। यात्रा को देखते हुए SDM ने 7 शर्तें लगाई है। शर्तों में DJ बजाने, स्वागत करने पर रोक लगाई है। कांवड़ यात्रा रविवार को बीसलपुर बांध से शुरू हो गई है। सोमवार को कांवड़ यात्रा मालपुरा पहुंचेगी और केदारनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। टोंक SP संजीव नैन ने बताया कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक निकालने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मालपुरा के कार्यवाहक SDM कपिल शर्मा ने यहां 7 शर्तों पर कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। इनमें से कांवड़ यात्रा का किसी मंच या सामूहिक रूप से स्वागत करने व अन्य लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई है। साथ ही प्रशासन ने हर कांवड़िया का नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगा है। कांवड़िया साथ में अपना पहचान पत्र लेकर चलेगा। कांवड़ यात्रा में रजिस्टर्ड कांवड़ियों के अलावा अन्य व्यक्ति नहीं चलेंगे।